हेलो यूट्यूबर्स, आप यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं इस वक्त क्योंकि मुझे लगता है कि आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो गया है या सस्पेंड हो गया है। मेरे साथ भी हो चुका है, तो घबराइए नहीं, आराम से इस वीडियो को देखिए, एक एक चीज़ को समझिए एंड होपफुली आपका जो चैनल है वो वापस रीइंस्टेट हो जाएगा। इसमें पहली चीज़ ये हुआ है, मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पहले अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूँगा, वो जो बहुत छोटा सा होगा कि शायद मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से डिफरेंट हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स वही होंगे जो मैंने फॉलो किए हैं, जो आपको भी फॉलो करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। पहले मेरा जो चैनल 28 जून 2021 को मुझे मेरे दोस्त मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका चैनल शायद हैक हो गया है। मैंने जब चेक किया तो यस, कोई मेरे चैनल पर था, वो अपलोड था या थी मुझे नहीं पता, वो अपलोड कर रहे थे वीडियोस, स्पैम वीडियोस, एंड फिफ्थ वाले दे उन्होंने 4 वीडियोस अपलोड कर रखे थे और 5वां करने जा रहे थे, जिसको मैंने फौरन यूट्यूब का पासवर्ड चेंज किया एंड मैंने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। तो 28 जून 2021 वाज द फर्स्ट डेट कि जो मेरा अकाउंट हैक हुआ। 1 जुलाई 2021 को मेरा फिर से अकाउंट शायद किसी ने हैक किया, मुझे नहीं पता चला क्योंकि जब मैं उठा तो देखा कि मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो चुका है। कोई वार्निंग नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, कोई डिटेल्स नहीं, क्या हुआ, क्यों हुआ, सीधा टर्मिनेटेड। मैं घबरा गया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई अरे मेरा सारा चैनल ख़त्म, मेरी जितनी एफ़र्ट्स थी ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरा चैनल ज़रूर बड़ा नहीं था बट मैंने एफ़र्ट्स लगाए थे उसको बनाने में। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपना रिसर्च किया ऑनलाइन, तो बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस दिए और उन्होंने कहा कि चैनल मिलना बहुत मुश्किल है वापस। ये चीज़ ने मुझे बहुत ही डिसहार्टन किया, मुझे डिस्करेज किया, मैं सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरे चैनल का क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि नहीं, मैंने यूट्यूब के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने शुरू किए। YouTube ने पहले कहा कि अगर आपको लगता है कि भाई आपका अकाउंट गलत तरीके से टर्मिनेट हुआ है, प्लीज़ हमसे इन टच में आइए। तो उनको कांटेक्ट किया, तो उनको मैंने बताया कि भाई मेरा अकाउंट गलत तरीके से टर्मिनेट हुआ है एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये अकाउंट हैक हुआ था। तो 1 जुलाई 2021 को मैंने मैसेज भेजा YouTube को, और YouTube का एक ऑटोमेटेड ईमेल आया और ये रहा आपके सामने। इसमें लिखा है कि वी हैव रिसीव्ड योर अकाउंट अपील एंड विल गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल। इसमें उन्होंने बस ये एक ऑटोमेटेड रिप्लाई दे दिया कि भाई आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, हम आपके पास वापस आ जाएंगे। सिर्फ YouTube से नहीं, मुझे Gmail से भी मिला जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। उसमें भी उन्होंने वही लिखा है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस अबाउट योर डिसेबल्ड गूगल अकाउंट, क्योंकि मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया था ये वाला। सिर्फ YouTube पर मेरा ईमेल काम कर रहा था। Google account will review your request and be in touch with an update as soon as possible. It may take 2 business days to review, but some might take longer. इसका यही मतलब है कि इसको 2 दिन लगता है, 2 business days, वीकेंड्स को एक्सक्लूड करते हुए कि इसको रिव्यू करना, और कभी कभी इसको ज़्यादा लग जाता है डिपेंडिंग कि आपका चैनल कितना बड़ा है, कितने वीडियोज़ हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स प्ले कर सकते हैं इस चीज़ में। तो मैं कहा ठीक है, एंड इन लोगों ने कहा कि आप हमारा अपील पेज को फिल करिए। अब अपील पेज की जो लिंक है वो मैंने इस नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उसको आप जाइए तो आप सीधा आपको अपील पेज आए। अब अपील पेज कैसा लगता है ये मैंने आपके आपके स्क्रीन में सामने रखा है। अपील पेज पर ये देखिए, इसमें आपका पूरा नाम चाहिए, ईमेल जो आप यूज़ करते हैं YouTube चैनल को रन करने के लिए, उसके अलावा 2 ज़रूरी चीज़ें जो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो आपका यूज़र ID और दूसरा URL। यूज़र ID कैसे मिलता है, अगर आपको यूज़र ID नहीं पता है जैसे मैं मुझे नहीं पता था अपना, तो प्लीज़ ये स्टेप्स फॉलो करिए। इसमें पहले क्या करना है, आप गूगल क्रोम में जाइए, ऊपर टाइप करिए जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट में दिखा रखा है, स्टूडियो ये आपका जो स्टूडियो होता है यूट्यूब का, वही आपको टाइप करना है, studio.youtube.com/channel/ इतना भी लिख दीजिएगा तो अपने आप आपके सारे ऑप्शन सामने आ जाएंगे, जैसे अगर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। मैंने अपना यूज़र ID सेंसर किया हुआ है फॉर प्रिकॉशन, मैं अपने सेफ्टी रीजन से उसको ब्लॉक किया हुआ है।
तो ये जो इतना मैंने जो सेंसर किया है इतना पार्ट, इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होंगे, और ये होता है आपका यूज़र आईडी। आपका कस्टम यूज़र आईडी बिल्कुल भी नहीं काम करेगा, इनको ओरिजिनल यूज़र आईडी की ज़रूरत होती है। तो ये कस्टम यूज़र आईडी हो गया। अब आपका यूआरएल क्या होता है? यूआरएल के लिए आपको एक लिखना होता है https://youtube.com/channel, फिर आपका यूज़र आईडी, ये आपका यूआरएल हो जाता है। अगर आप टाइप करेंगे इसी तरह आपके सामने आ भी जाएगा ये यूआरएल, वही गूगल क्रोम के टास्क बार के ऊपर। अब जब आपने ये फिल कर लिया है तो आपके पास एक नीचे सबसे लास्ट में एक बॉक्स आता है अपील फॉर्म में, जहाँ पर आपको रीज़न देना है कि भाई क्यों आपका चैनल रीइंस्टेट करें, कि फिर उसे क्यों एक्टिवेट करें। उसका रीज़न आपको क्लियर लिखना है कि भाई मैंने ये लिखा कि मेरा अकाउंट इस दिन हैक हुआ था पहली दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा मुझे लगता है फिर से अकाउंट हुआ हैक, एंड इसलिए आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। एंड मैंने उनको ये मेंशन किया कि मैं कोई ऐसा कोई कंटेंट अपलोड ही नहीं करता हूँ जो रिलीजियस या पॉलिटिकल व्यूज़ हों उसमें, या किसी को अब्यूज़ करना हो, या किसी और का कंटेंट हो, या कोई म्यूज़िक जो मैंने लिया हो जो रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक ना हो। तो इन सब चीज़ों को लिखते हुए मैंने उनको भेजा, जिसके लिए उनका फिर मेरे पास रिप्लाई आता है ऑन 2 जुलाई, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे उनका आता है, ये रहा उनका ईमेल। उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग को सॉरी टू हियर अबाउट योर ट्रबल, आप प्लीज़ ये वाला फॉर्म भर दीजिए इमीडिएटली, एंड इसी के बेसिस पर हम लोग आगे काम करेंगे, जिसको मैंने वही अपील फॉर्म है उसको फिर से मैंने भरा। सेम डे, वेरी सेम डे, फिर से एक और मेरे ईमेल आया यूट्यूब से, और उसमें ये लिखा है कि भाई हमें इस बार ऑटोमेटेड ईमेल नहीं था, ये था इनके एक टीम से जिसमें इंसान का नाम सिर्फ इनिशियल्स यूज़ किया था पी और बी पी बी। तो उन्होंने ईमेल जो भेजा था वो ये रहा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ हम लोग को पता है कि आपका चैनल कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितना परेशान होंगे, हम लोग चेक कर रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं आपके कंसर्न के बारे में, और ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा वक्त लगा, और जब तक हम लोग चेक कर रहे हैं अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ अभी दे दीजिए। तो मैंने उनको बस लिख दिया कि कितना टाइम लगेगा, क्या है, एंड मैंने फिर से अपनी स्टोरी जो है उनको रिपीट कर दी। नेक्स्ट डे मेरे पास फिर से एक ईमेल आता है, अब इस बार पीबी अवेलेबल था या थी, पीबी अवेलेबल नहीं थे या थी, लेकिन उनकी जगह एक बंदा अली नाम का ALY का ईमेल आया मेरे पास जो आपके सामने है। उसमें उन्होंने लिखा कि भाई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है अपनी इंटरनल टीम में, और हाँ वो लोग कंफर्म कर रहे हैं कि आपका अकाउंट हाईजैक हुआ है, एंड अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो बेहतर है कि आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करिए। अब इस 3 स्टेप्स में अगर आप देखें सामने जो लिखा है, एक है एडवांस प्रोटेक्शन, एक है 2-स्टेप वेरीफिकेशन, और एक है चेंज योर पासवर्ड। तो मैंने पहला ऑप्शन ऑप्ट आउट कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल था एंड उसमें थोड़े से पैसे लगने वाले थे, विच मुझे नहीं करना था। सेकेंड, मैंने 2-स्टेप वेरीफिकेशन फ़ौरन किया, एंड थर्ड मैंने अपना पासवर्ड इमीडिएटली चेंज कर दिया और उनको ईमेल भेज दिया कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। इसके बाद आप देखिए कि मैंने ये ईमेल आया कि कि हम लोगों ने ये सब कर दिया, एंड आपको अब एक और स्टेप करना है, वो है रिकवरी फ़ोन नंबर आपके ईमेल अकाउंट के साथ। तो मैंने ये भी कर दिया। तो ये बिटवीन 1st, 2nd, and 3rd July के बीच में ये सारे डिस्कशंस हुए, कॉन्टैक्ट रहा मेरा यूट्यूब के साथ, एंड वो लोग मेरे साथ रहे। फाइनली आता है 4th of July, 4 जुलाई 2021 को मेरे पास ईमेल आता है। उन लोग कहते हैं कि भाई आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो गया है और फिर से एक्टिवेट हो चुका है। तो आई वाज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ कि भाई फाइनली मेरा अकाउंट वापस आ गया, एंड आई वाज थैंकिंग गॉड कि फाइनली माई अकाउंट इज़ बैक, जो मेरी इतनी मेहनत थी वो ऐसी वेस्ट नहीं हुई। एंड आई वॉज मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ यूट्यूब टीम को, स्पेशली पीबी अली और उनके जो टीम मेम्बर्स हैं जिन्होंने हेल्प की। आई रियली वॉन्ट टू थैंक दैम कि उन्होंने मेरी हेल्प की मेरे यूट्यूब चैनल को वापस लाने में। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ आप ट्राई करिए पहले, एंड अगर आप सक्सेसफुल हुए, आपका चैनल वापस आ जाता है, प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस कि दूसरों को भी पता चले कि शायद आपका एक्सपीरियंस दूसरा रहा हो एंड इसके वजह से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो गई।
मुझे भी सुनना होगा, दूसरे भी लोग सुनना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। प्लीज़ शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा ये मेरा वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड कीप स्माइलिंग। घबराइए नहीं, आपका चैनल वापस आ जाएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ।